मस्तान साहब का मारने में शूटर कोई और है, मरवाने वाला कोई और है। ये किसी के वर्चस्व की ताकत के कारण मस्तान साहब की मौत हुई है। मोतिहारी में 12 एमएलए हैं, क्या कारण है कि कोई एमएलए किसी घटना, किसी मर्डर या किसी सामाजिक कोई कारणों में नहीं जाते सिवाय जाति, सिवाय हिंदू मुसलमान के। इस बॉर्डर के जितने तस्कर हैं और जमीन माफिया है, इन लोगों के खिलाफ जब तक जिहाद नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठे। मस्तान साहब का मारने में शूटर कोई और है, मरवाने वाला कोई और है, ठीक। ये कोई जाति दुश्मनी के चलते नहीं मारा गया है, ये किसी के वर्चस्व की ताकत के कारण मस्तान साहब की मौत हुई है। मस्तान साहब के रहते इस इलाके से कोई दादागिरी नहीं कर सकता था, कोई अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकता था। शराब बेचने वाले या अन्य माफिया जो बॉर्डर इलाके से माफियागिरी करता था, वो किसी भी परिस्थिति में इनके रहते या इनका जो प्रभाव समाज को लेकर था, समाज का जो साथ मस्तान साहब के था, जिसके खौफ, जिसका डर, जिसके प्रेम में इस इलाके में मिनिमम क्राइम कम होता था, जिसके चलते लोगों ने मरवाने का काम किया। मैं इसमें एसआईटी जांच की मांग करूंगा, मैं इसमें अविलंब कुर्की की मांग करूंगा, मैं इसमें मरवाने में कौन कौन लोग हैं उसकी जांच चाहूंगा, और एसआईटी की जांच मैं कोशिश करूंगा एसआईटी की जांच पटना से हो। लगातार मोतिहारी बेतिया जो यह इलाका है, कहीं पुलिस मार देती है, कहीं पत्रकार को मारे जाते हैं, कभी माफिया अरविंद सिंह को, कभी कठुआ में, कभी रामगढ़वा में, कभी रंजय पासवान, तो कभी कोई, तो जो हालात हैं, अभी ढाका में फिर एक मर्डर हो गई। और समाज यदि मुखदर्शक बनी रहेगी तो कोई घर नहीं बचेगा। हम कंप्लीट रूप से 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल, एसआईटी जांच और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी पूरी संपत्ति की कुर्की, और इस मोतिहारी में 12 एमएलए हैं, क्या कारण है कि कोई एमएलए किसी घटना, किसी मर्डर या किसी सामाजिक कोई कारणों में नहीं जाते सिवाय जाति, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय जाति के। ये दो दो तीन तीन सांसद हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी की सरकार है, 20 सालों से ये लोग सांसद हैं, आखिर ऐसे लोग चुने कैसे जाते हैं? इन लोगों के पास अकूत पैसा कहां से आता है? संरक्षण किसी भी नेता सत्ता का प्राप्त हो, समाज को डर से हम निकालेंगे, समाज को अभाव से हम निकालेंगे, समाज में खौफ का वातावरण नहीं रहने देंगे, समाज में किसी भी कीमत पर माफिया अपराधियों के वर्चस्व को मिटा कर दम लेंगे। यह लड़ाई हम जन अधिकार पार्टी ढाका, इस इलाके की जितनी बड़ी लड़ाई है, मैं धन्यवाद दूंगा अभिजीत सिंह, अपने पार्टी के नेताओं को, जिस तरीके से, चाहे अभिजीत सिंह का पूरा परिवार, जब कोई मुद्दा होता है, चाहे घोरासन में ट्रेन रोकने के मुद्दा है, मैंने तुरंत बात किया, मैंने वहां रेल रोका, चाहे जब भी कोई सवाल यहां उठता है, मैं लेट आया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये लड़ाई मेरी होगी, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को, मस्तान साहब के परिवार को, इस इलाके की उम्मीद को, आवाज को, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम आश्वस्त करते हैं इस मोतिहारी के 12 एमएलए की संपत्ति की जांच मुख्यमंत्री जी से लगातार हमारी, चाहे फुलबरिया घाट का मामला हो, उस पर मेरी बातचीत होती रही है। तो जब कभी मोतिहारी की आवाज या मोतिहारी के इंसानियत को बचाने की बात आती है, हम बेटे के तरह इस धरती के लिए खड़े होते हैं। लड़ाई आर पार होगी, जब तक इस बॉर्डर के माफिया, इस बॉर्डर के जितने तस्कर हैं और जमीन माफिया है, इन लोगों के खिलाफ जब तक जिहाद नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठे। अभी तक मस्तान सिंह के हत्या में एमपी एमएलए क्यों नहीं आया? कहां मर गए ये लोग?
कोई घटना में क्यों नहीं जाते मोतिहारी में राधा मोहन जी? आरटीआई का आर्टिमिस्ट का क्या न्याय मिलेगा? आपको लगता है कि चार्जशीट में अपराधियों को निकाल दिया जाता है, 3 महीने के अंदर बेल मिल जाती है? क्यों बेल मिलता है इन लोगों को, कैसे बेल मिल जाता है? इसलिए लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे।